सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली का डेयरी स्टाइल चिकन कोरमा। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, ना ही इसमें जाते हैं बादाम, ना ही काजू, ना ही खशखश और ना ही नारियल। बहुत ही सिंपल लेकिन ऑथेंटिक मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए एक पतीली ली है मैंने और इसके अंदर डाला है 1 कप ऑयल। तो 1.5 किलो चिकन का मैं ये डेयरी कोरमा बना रही हूँ, तो आप ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करूँगी। तो प्याज मैंने ली है ये 6 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको बहुत ही बारीक मैंने फाइनली काट लिया है और इनको अब मैं लाइट गोल्डन फ्राई करूँगी। तो अगर आपको गोल्डन फ्राई प्याज की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए प्याज का हमारा कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसको ब्राउन करना था, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना कोरमे का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और प्याज की क्वांटिटी पहले तो मैंने आपको पीसेस में बता दी थी, वैसे मैं बता देती हूँ 1 किलो में तकरीबन 250 ग्राम लेते हैं, तो आप इसको 350 से 400 ग्राम के बीच में ले सकते हैं। तो बस इसको निकाल लेती हूँ, एक प्लेट में फैला दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद या तो इसको हम हाथ से क्रश कर लेंगे या मिक्सी में डाल के दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तो प्याज को मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। अब ये वही पतीली है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था। तो इसमें डाल देते हैं सबसे पहले चिकन, जो कि 1.5 किलो मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। ये कोरमा सबसे आसान बनने में होता है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है, 1.5 किलो। साथ में हम डालेंगे इसमें 450 ग्राम दही। दही को फेंट कर नहीं डालिएगा, ऐसे ही डालना है। 1 किलो गोश्त के अंदर देवी कोरमे में 300 ग्राम दही जाती है। अब डालेंगे सूखे मसाले, 1.5 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने ली है ये पीली मिर्च। अगर ये आपको मिल जाए तो ले लीजिएगा, ऑथेंटिक जो रेसिपी होती है पुरानी दिल्ली के कोरमे की उसमें ये डलती है। और 1 ही टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कोरमे का कलर अच्छा आएगा। और 9 हरी इलायची और 6 लौंग, सभी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। साथ ही में हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का नहीं है, सिर्फ लहसुन का है। और 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको इस तरह से लंबाई में बहुत बारीक बारीक काट लिया है, ये इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। जब तक चिकन पक रहा है हम इसके लिए खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ली हैं 2 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 6 हरी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और 6 ही लौंग। इनको मिक्सी में डाल के इनका एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैंने कोरमे को हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाते हैं ताकि जो चिकन है वो थोड़ा सा गल जाए। तो ये जो सारी इसकी कुकिंग है मोस्टली वो हाई फ्लेम पर ही होगी, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। अगर हम लो फ्लेम पर पकाएंगे तो मसाला नहीं भुनेगा और चिकन ज़्यादा गल जाएगा। तो बस इसको कवर करती हूँ लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। साथ ही में मैंने लिया है ये 1/3 जायफल का टुकड़ा और 1 छोटी जावित्री, इनको मैं दरदरा कूट लेती हूँ। तो ये भी तैयार हो गया है। तो 10 मिनट हो गए हैं, हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और अब हम इसको खोल कर ही पकाएंगे, इसको अब कवर नहीं करेंगे। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पर हम हल्के हाथ से भूनते हुए पकाएंगे ताकि इसका जो चिकन ने पानी और दही ने जो पानी छोड़ा है वो ड्राई हो जाए। तो बस हल्के हाथ से हम इसको चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोरमे को हमें दानेदार बनाना है तो उसके लिए इसको हमें अच्छा सा भूनना पड़ेगा। थोड़ा सा जब इसका पानी ड्राई हो जाता है फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए चिकन का काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर ही अपनी गोल्डन फ्राइड और क्रश्ड प्याज
ये डालते ही जो हमारी ग्रेवी है एकदम ही चेंज हो जाएगी। साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें जो मैंने खुशबूदार मसाला बनाया था, जायफल जावित्री का पाउडर हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ और चिकन काफ़ी हद तक गल गया है तो अपना हाथ जो है वो अपना हल्का रखेंगे वरना हमारा जो चिकन है वो टूट जाएगा। देखिए कितना दानेदार हमारा मसाला तैयार हुआ है लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन एक कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। आप अगर चाहें तो स्पून में थोड़ा पानी और भी डाल सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं, लेकिन मैं डेली स्टाइल बना रही हूँ तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो बस इसको मैं कवर करती हूँ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम डाल देते हैं इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर और साथ ही में हम डालेंगे इसमें केवड़ा वाटर। तो 1 टीस्पून हम केवड़ा वाटर डाल रहे हैं, अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप 2 से 3 बूंद ही डालिएगा। मिक्स कर लेते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है। तो कवर कर देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा पुरानी दिल्ली स्टाइल देगी चिकन कोरमा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार बना है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।